जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के जरिए हिंदुस्तान को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं रामपुर जिले में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रामपुर के जुल्फकार इंटर कॉलेज में ही कई मोहल्लों का कूड़ा डलता है। इसी कॉलेज के मैदान में भैंसों का तबेला भी चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो जिला प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर अधिकारी हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई का फोटो खिंचवाकर अखबारों में छाने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर सफाई का जो असल काम है उस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी टीम ने शिक्षा के इस मंदिर में जाकर जब पड़ताल की तो गेट पर नज़ारा ही कुछ और था। गेट पर गंदगी का अंबार लगा था जिसे देखने वाला कोई नहीं है। रामपुर के इस कॉलेज की बदनसीबी कहें या जिला प्रशासन की लापरवाही, जिसकी कई वर्षों से यही दशा है। वहीं इस मामले में SDM MP सिंह ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। रामपुर UP से जाट TV न्यूज़ के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। गंदगी डालना है नहीं, अगर स्कूल वाले चाहें तो एक मिनट बैठ जाए, लेकिन वो भी इस बात की कोशिश नहीं करते हैं। गंदगी पड़ती है यहाँ जी, बेशक पड़ती है, आप देखिए सामने बीमारी फैलती है, बीमारी फैल रही, इंसान बीमार है, जानवर बीमार है, सभी परेशान है। स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है साहब, बहुत रोका है इसको, बहुत रोका रहा, मगर कुछ नहीं। मोदी जी की पहल है कि स्वच्छ होना चाहिए साहब, हम तो उनके साथ में, हम तो पहले एक बातें कर रहे हैं, गर्ल्स वालों साहब मालूम करेंगे उसके, तो हमारे अधीन में नहीं है, इस विद्यालय के अधीन में नहीं है। अधीन ये बताइए, गंदगी का अंबार लगा है यहाँ पर, बदबू आती है यहाँ पर? हाँ, अभी तो ये बदबू, जब जहाँ गंदगी होगी तो बदबू तो आएगी, लेकिन अभी शिक्षण कार्य बंद है, चल रहा है। ऐसा है, जिस तरीके से मोदी सरकार की पहल है कि स्वच्छ रखना चाहिए, सबसे ज्यादा गंदगी आप ही के स्कूल के पास है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ वो हॉस्टल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, इस विद्यालय से हट करके बन रहे हैं। जाके देखेंगे, अभी चूंकि नमाज का समय है, अभी जाके नमाज खत्म होने के बाद जाके देखेंगे, और यू से कहा करके जो दोनों चीज़ें हैं दोनों गलत हैं, स्कूल में नहीं होना चाहिए, सफाई भी रोड की सफाई होती है, दोनों चीज़ देखेंगे और उस पर कार्रवाई करके उसको साफ कराएंगे। डीएम साहब के सख्त आदेश हैं कि सरकारी संपत्ति पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जब तक तबेला प्रिंसिपल है उनका भी रहता है कि महत्व किया जाए।